उत्तराखंड के चमोली जिले की फूलों की घाटी अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यूनेस्को इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट पहले ही घोषित कर चुका है। शनिवार को पर्यटकों के लिए खोली गई फूलों की घाटी 87 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें तकरीबन 600 दुर्लभ हिमालयी वनस्पतियां हैं। ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व के दो मुख्य क्षेत्रों में से एक है। फूलों की घाटी 1 जून से खोल दिया गया है, जो कि 31 अक्टूबर तक खुला रहेगा। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रकृति प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी यहाँ पर आ रहे हैं और भैली का दीदार कर रहे हैं। भैली में विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। टिपरा ग्लेशियर का मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है, साथ ही भैली का भी आनंद प्रकृति प्रेमी ले सकते हैं। गाइडों के मुताबिक उच्च तापमान और मानसून में देरी की वजह से इस साल घाटी में कम फूल खिले हैं। जो टूरिस्ट आता है, अभी जैसे मेरे को 3-4 लोग मिले, वो कह रहे घाटी तो बहुत सुंदर है लेकिन फ्लावर कम है। मैंने बोला कि अभी स्नो मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे हर हफ्ते में यहाँ पे फ्लावर स्पीसीज चेंजिंग होते रहता है। जैसे एक फ्लावर बहुत पहले देखा था मैंने, लगभग लास्ट ये मेरे को मिला था 2011, अभी दोबारा कभी देखा नहीं है। उसका नाम है पैगानम हारमाला। लगभग जहाँ पे ग्लेशियर्स एरियाज होता है उस एरिया में खिलते थे, आज मेरे को दिखता नहीं है वो चीज़ें। शनिवार को घाटी में आने वाले पर्यटकों के पहले जत्थे में पूरे भारत से 40 लोग शामिल थे। जी, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत पहले से उत्सुक था फूलों की घाटी आने को। हालांकि अभी मानसून में देरी के कारण फूल उतने खिले नहीं हैं, लेकिन फिर भी सिनेटिक व्यू इतना अच्छा है कि फूलों की घाटी आने के बाद लगता है कि धरती का स्वर्ग यही है और यहाँ से जाने का मन नहीं करता। हम सोचे कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिल रही है, तो हमने आया फूलों की घाटी में। वहाँ सर ने जो ओपनिंग की, उनके साथ ओपनिंग में सहभागिता निभाई और आके फूलों की घाटी का दर्शन किया। बहुत ही सुंदर नज़ारा, नेचुरल ब्यूटी है। और फूलों की घाटी में अभी फूलों का खिलना शुरू हो रहा है, आगे चल के फूलों की घाटी में फूलों का बढ़ना और ज्यादा होगा। फूलों की घाटी की खोज 1931 में 3 ब्रिटिश पर्वतारोहियों ने की थी। वह रास्ता भटक कर समुद्र तल से 3600 मीटर ऊपर इस घाटी पर पहुंच गए थे।